हाय एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को। थम्स अप करके या हैंड रेज करके रिएक्ट करके बताना इफ आई एम ऑडिबल टू यू। आवाज़ आ रही है? यस, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं आप सभी से अभी इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। चैट सेक्शन भी यहाँ पे ओपन है। और सबसे पहले यार आ रही है आवाज़? हाँ, चैट में भी बता रहे हो। सबसे पहले सब लोग अपना अपना स्टेट हो या सिटी हो, सिटी कॉमा स्टेट करके आप लिखते जाओ चैट में। कहाँ से हो सर? वॉइस इशू? वॉइस इशू नहीं है, आपका इंटरनेट इशू होगा क्योंकि वॉइस एकदम क्लियर है। यहाँ पे सभी का रिस्पांस आ चुका है। कोई भी जगह है, फॉर एग्जाम्पल सहारनपुर कॉमा यूपी अभी लिखा है किसी ने, तो ऐसे करके आप लिखो जल्दी से, सारा स्टेट लिखते जाओ तो मुझे पता चल जाए। हरियाणा, यूपी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, देहरादून, उत्तराखंड, ओके, पटना, बिहार, अलीगढ़, ओके। ठीक है, तो अभी यार मैं आप सभी से इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। सबका मैं हैंड रेज जो है उसको मैं लोयर कर देता हूँ। यही होता है ना। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि यार कंपार्टमेंट आप सभी का जो हुआ उसका मेन रीजन क्या हुआ, है ना? कोई भी बोलना चाहे, जो अच्छे से अभी खुल के बताना चाहे, वो चैट पे लिखो या फिर हैंड रेज करो, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। ठीक है, कौन बोलना चाहता है? कोई वीडियो पे बोलना चाहता है, ऑडियो पे बोलना चाहता है, जस्ट रेज योर हैंड, आई विल गिव अनम्यूट वाला। सर मुझे बात कीजिए। अब्दुल, ओके, अब्दुल को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो यस अब्दुल, हेलो सर। यस, सर एक्चुअली मेरा ऐसा हुआ है, रिजल्ट तो मेरा पास है सर्टिफिकेट ओके, में। सर सर्टिफिकेट में तो पास है। मेरा ऐसा हुआ है कि मैं ना एक सब्जेक्ट में हुआ हूँ फेल, बायो में। बाकी मैं ओके पांच ओके, सब्जेक्ट में पास हूँ बाकी में पास जी हो? सर। ओके ठीक है, तो बायो में अभी तैयारी कैसे कर रहे हो? एक दिन में कुछ किए तैयारी? आज से शुरू किए? वीडियोस वगैरह तो देख रहे होगे, बाकी तैयारी? जी सर, PW का जो विजेता बैच था ना, वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है मैंने। आज ओके ठीक 2 घंटे का पढ़ लिया है, 3 घंटे का है वो है, कहाँ से हो? सर। देहरादून उत्तराखंड। देहरादून से? ओके चलो ठीक है, ओके थैंक यू। बाकी कोई और? नेक्स्ट, जो बोल दिया वो हैंड रेस जो किया है ना उसको डाउन कर लो अपने आप। नेक्स्ट इज अनिश। मैं सबसे थोड़ा सा इंटरेक्ट करना चाहता हूँ, पता करना चाहता हूँ कौन से क्लास में हो, क्या कर रहे हो। हाय अनिश। हेलो। यस, हाँ गुड मॉर्निंग, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, मैं गुड इवनिंग। आकाश हाँ, सर। बेसिकली सर आई एम फ्रॉम रांची झारखंड। ओके और सर ये मेरा मतलब 2022 में पास आउट है मेरा। ये मैथ्स में कंपार्टमेंट लगा था, पर मतलब किसी वजह से फर्स्ट और सेकंड चांस में हम एबसेंट हो गए थे। मतलब फर्स्ट में हम एबसेंट हो गए थे जो ओके अगस्त में था, और ये सेकंड का सर मेरे को पता नहीं था कि मतलब फॉर्म, मतलब सर ये फॉर्म हम फिलअप कब, ये सितंबर में शायद था ना लास्ट उसका हाँ चांस, तो वो सर मेरे से मिस हो गया। तो ये थर्ड टोटल कंपार्टमेंट का टोटल 3 चांस मिलता है ना। थ्री चांस मिलता है? यस हाँ तो सर वही, ये जो थर्ड जो होता है वो मतलब बोर्ड स्टूडेंट के जो कंपार्टमेंट लगते हैं नेक्स्ट ईयर, उस मतलब उस समय दे सकते हैं। तो फर्स्ट तो ये वाले कंपार्टमेंट में हम सर अपियर होना चाह रहे हैं, तो इसी में मतलब हेल्प चाहिए था आपका, मतलब फॉर्म फिलिंग ओके okay. वगैरह का। और कोर्स में भी एनरोल करेंगे सर। मैथ्स में मेरा RT है बस, थ्योरी में, ओके ठीक है, तो और बाकी ओवरऑल में मैं पास हूँ सर। ओवरऑल में पास हो ना? ठीक है, अगर सीरियस यस सर। स्टूडेंट हो, इंटरेस्ट हो तो मैथ्स कोर्स में एनरोल करना। वो 2 दिन में मैं शुरू ओके करूँगा, अभी मैं कल उसका एनरोलमेंट डाल दूंगा, तो कल से लेकर परसों तक जो स्टूडेंट्स होंगे उनका बैच शुरू हो जाएगा। और सर अभी के लिए मतलब आपका पिछले प्रीवियस ईयर का मतलब वीडियो से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे, आज से मतलब अगर स्टार्ट हाँ, करना चाहे प्रीवियस तो। ईयर से तो अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाले मिल जाएंगे। टीचिंग वीडियोस तो मैंने डाला नहीं है क्योंकि टीचिंग वीडियोस में जूम क्लास या गूगल मीट पे लेता था, और जो टेक्निक्स हैं, स्ट्रेटजीज हैं, वो सब मैं बताता हूँ जूम क्लासेस में। लाइक क्वेश्चन और देखो। सर ये मैं हाँ
मैंने बोलो। आपको आईजी पे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था इस रिगार्डिंग कि ये मेरा थर्ड कंपार्टमेंट चांस है। तो सर ओके ये आप मेरा ये कहना था कि आप श्योर हो क्या, मतलब थर्ड कंपार्टमेंट में इलिजिबल तो हम है ना, क्योंकि तीन कंपार्टमेंट का टोटल चांस होता है। तो उसमें आपने हाँ रिप्लाई किया था कि उसमें आपने रिप्लाई किया था कि मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, तो मतलब ज्यादा तो यही चांस लग रहा है कि एलिजिबल है। पर आप ये आपका ये कहना था कि मतलब थर्ड कंपार्टमेंट का, तो उसमें शायद मतलब जे एप्लीकेशन फिलिंग के टाइम शायद मतलब सारे सब्जेक्ट का देना पड़ेगा, ये शायद आपने रिप्लाई किया था, आप गेस किए थे इस चीज को, तो अभी मैं लास्ट आपने टाइम मेरे को फॉर्म रिप्लाई। भरा था। लास्ट टाइम तुम कब लास्ट ईयर पूछे होगे? हाँ सर, नहीं नहीं सर, अभी ये अभी कुछ दिन पहले आप ये मतलब इंस्टाग्राम का ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे थे एक दो दिन पहले। अच्छा ओके हाँ उस समय आप रिप्लाई किए थे मेरे को। ओके तो तुम्हारा पहला अटेम्प्ट कब था? मेरा पहला अटेम्प्ट था सर अगस्त 2022 में। हाँ अगस्त 2022 में कंपार्टमेंट मतलब बोर्ड एग्जाम दिए थे लास्ट ईयर कंपार्टमेंट, 2022 में। हाँ सर, ओके तो वो पहला अटेम्प्ट हो गया और दूसरा अटेम्प्ट अभी होना था बट तुमने एग्जाम दिया नहीं। ओके सो दिस इज योर हाँ लास्ट अटेम्प्ट। हाँ तुम अपियर कर सकते हो। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, बस ये कंफर्म ओके करना था। थैंक यू सर, ओके थैंक यू सर, ओके वेलकम। ठीक है। ठीक है नेक्स्ट हु वांट्स टू स्पीक? विनम्र। हाय विनम्र आवाज आ रही है? वॉइस नहीं आ रही। वॉइस तो आ रही है, वॉइस सबको आ रही है। चैट में कुछ पूछ सकता हूँ क्या? चैट में पूछ सकते हो ठीक है, बट फिर यहाँ पे पूछना, लाइव पूछना विल बी बेटर। नेक्स्ट अमन सिंह। अमन सिंह हेलो सर। यस। सर मैं मार्च में मैंने बोर्ड दिए थे इसी साल मार्च में बोर्ड्स सर, दिए थे? बट मेरा ओके ये सर बट मेरा कंबाइंड आ गया मैं। सर मुझे मतलब जो आपका बैच है उससे मतलब मेरा कंपार्टमेंट हट जाएगा, अगर मैं आपके बैचेस को बैच को मतलब परचेस करूँ तो वो मेरे लिए बेनिफिट होगा। बेनिफिट तभी होगा, मैं बोलता हूँ ओनली सीरियस स्टूडेंट जो है वही लोग बैच में एनरोल करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ अगर 100 स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं ओनली 80 स्टूडेंट्स पास होते हैं, बाकी 20 स्टूडेंट्स क्यों नहीं होते? बिकॉज उनका सीरियसनेस नहीं होता है। मैं बोलूंगा कि सेम क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करो तो वो बोलेंगे सर हो गया सॉल्व, कहाँ दिखाओ 3 बार सॉल्व किया है, तो 3 बार सॉल्व नहीं होगा वो, एक ही बार सर एक ही बार में समझ आ गया। यार एक ही बार में समझ नहीं आता, फर्स्ट टाइम में आप सॉल्यूशन देख के प्रैक्टिस करते हो, दूसरे बार बिना देखे प्रैक्टिस करो, तीसरे बार कुछ दिन बाद प्रैक्टिस करो, तो कितना दिमाग में घुसा वो पता चलेगा। सो इसीलिए ऐसा अगर सीरियस डेडिकेशन दे पाओगे तभी कंपार्टमेंट जैसा एग्जाम पास होगा, और जो 80 स्टूडेंट्स पास होते हैं उनका डेडिकेशन होता है। इफ यू थिंक तुम्हारे अंदर वो डेडिकेशन है एनी वे, आपको अगर पास होना है एग्जाम तो तभी ये बैच आपको हेल्पफुल होगा, अदरवाइज फिर नॉर्मल जो यूट्यूब वीडियो जैसा ही लगेगा आपको। ठीक है अगर एफर्ट मारना चाहते ओके हो एफर्ट डालना चाहते हो देन मोस्ट वेलकम, आराम से दिन के थैंक यू 10 10 घंटे तुम पढ़ने पड़ेंगे। ओके सर, ओके थैंक ठीक है यू चलो। सर। थैंक यू थैंक यू। कोई और? नेक्स्ट आयुष सिंह। चलो मैं ज्यादा नहीं 30 मिनट्स का इंटरेक्शन करूंगा। बैच का प्राइस क्या है? 1000 रुपीज ओनली। हाँ हेलो हेलो, हाय हाय आयुष। हाँ यस यू आर ऑडिबल। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। या आई एम सर। सर आई हैव अ कंपार्टमेंट इन मैथ्स एग्जाम, हैव गॉट 11 मार्क्स इन द थ्योरी, 11 मार्क्स। बट ओके आई लिटरली आई हैव गिवन माय एग्जाम वेरी नाइसली सर। आई डोंट नो हाउ दे हैव गिवन मी 11 मार्क्स। आई एम लिटिल कंफ्यूज ओके नाउ, आई एम सब। इफ यू थिंक इफ योर मार्क्स विल इंक्रीज देन अप्लाई फॉर रीचेकिंग री इवैल्यूएशन। पेपर शीट मंगवाओ, आंसर शीट मंगवाओ, फिर चेक करो, बट अगर पता है कि नहीं हो पाएगा फिर तो प्रिपेयर ही हाँ करके देना पड़ेगा, बिकॉज इट विल टेक टाइम फॉर सर, गेटिंग द आंसर तो शीट एंड ऑल। मैं दोनों साइड लेके चल रहा हूँ सर। हेलो, हाँ दोनों साइड लेके चल सकते हो, हाँ मीन्स हाँ रजिस्टरिंग फॉर द तो वो मैं कंपार्टमेंट आपको चार एंड इनरोल करने की, हाँ या मैं सोच रहा हूँ सर, इन जस्ट ऐसे भी मैं परसेंटेज कम है, मतलब हाँ आई हैव गॉट ओनली 61% एंड आई हैव गॉट 80 इन मैथ। आई हैव ओके टेकन 5 सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, आई हैव नॉट टेकन इनिशियल सब्जेक्ट
आई हैव टेकन माय पीसीएम एंड वन फिजिकल इक्वेशन एंड आई हैव गॉट आरटी इन मैथ मैथमेटिक्स सो आई हैव डिसाइडेड टू जॉइन योर योर एकेडमी फॉर एनरोलिंग इन द मैथ ओके ओके या ठीक है सो ऑल द बेस्ट और यू विल बी क्लियरिंग कब से स्टार्ट होगा सर स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन के बाद मैं शुरू करूंगा क्या चार्ज है सर 1000 1K ओनली यस या सर ओके सर या ओके थैंक यू सर आपसे रिक्वेस्ट है सर हाँ हाँ वो जैसे जैसे मोस्ट जो टॉपिक्स है जैसे वेक्टर से सब थ्री डायमेंशनल वो मतलब जैसे हो कम मतलब निकल जाए अच्छा मार्क्स मतलब जैसे 80 मार्क्स का थ्योरी होता है तो 50-55 आ जाए आराम से आ जाएगा देखो मेरा मेन नॉन कैलकुलस में पहला फोकस होता है क्योंकि मुझे पता है बच्चों का प्रॉब्लम्स क्या होता है एक मिनट मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ पहले कुछ बच्चों से बात कर लेता हूँ तो अभी यार आप सभी जो ये लाइव स्ट्रीम को अटेंड कर रहे हो मैं बताना चाहूंगा बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ हाँ या ना पे चैट पे फटाफट यस या नो पे रिप्लाई देना ठीक है बच्चों का मेन प्रॉब्लम होता है जब वो नेगेटिव नंबर्स देखते हैं डेसिमल पॉइंट्स देखते हैं स्क्वायर रूट नंबर देखते हैं इन जगह पे उनको डर लगता है जब कैलकुलस वाला चीज देखते हैं बड़ा बड़ा इक्वेशन देखते हैं तब जाके उनको डर लगता है यस और नो जल्दी से चैट पे बताओ यस सर कमांड एकदम चैट भरते जा रहा है क्योंकि मुझे पता है दीज आर द वीक पॉइंट्स और हमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करना है स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है स्ट्रॉन्ग पॉइंट मीन्स आपका नॉन कैलकुलस पार्ट जहाँ पे प्लस प्लस माइनस एडिशन होगा ग्राफ बना के सॉल्व कर लोगे लीनियर इनइक्वालिटी से वहां पे तो आपको अनबाउंडेड रीजन आ नहीं रहा बाउंडेड रीजन फोकस करो बाउंडेड रीजन में आपको इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बता दूंगा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट लगता है समझने को स्पेसिफिक सेट ऑफ वहां पे क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करो प्रीवियस ईयर बनाओ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी कंप्लीट शुरू के चैप्टर्स जितने हैं मैट्रिसेस तक मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स कितना ईजी है आसान है बस आपको तरीका पता होना चाहिए और ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ठीक है यस यस चैट में सभी यस बता रहे हैं तो ये सब हो जाएगा फिर कैलकुलस में एंटर करो कैलकुलस में एंटर करोगे तो थोड़ा बहुत आपको मैं फॉर्मूला बताऊंगा कहाँ से इजी क्वेश्चन फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 तरीके होते हैं अभी तो यार बाकी सब्जेक्ट के भी स्टूडेंट होंगे आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन मैथ्स बट इन जनरल मैं बता रहा हूँ हो जाएगा अगर आप माइंड में रोज रिविजन करोगे ना कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स मैं जिनको बताता हूँ तरीका उनको पहले बताता हूँ 2 दिन तो मैं उनको तरीका बताता हूँ पढ़ने का हाउ टू स्टडी What to study you know, maths पढ़ना है आपको questions बनाने हैं previous year solve करने but how to study, रोज का कितना पढ़ोगे target कैसे fix करोगे revision कब करोगे एक तरीका यार सभी के सभी बच्चों को मैं बता रहा हूँ अभी ठीक है एक सेकेंड के लिए मैं सभी का hands down कर रहा हूँ वापस hands up करना जो बोलना चाहेगा फिर बात करूंगा मैं बट एक चीज मैं बता देता हूँ जिस भी सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट आया है ना ऑल ऑफ यू टेक मेडिसिन एक मेडिसिन एक दवाई का नाम बोल रहा हूँ जिसको आपको दिन में 2 बार लेना पड़ेगा आर यू ऑल रेडी फॉर दैट मेडिसिन बताओ चैट में बताओ एक दवाई का नाम बताऊंगा जिसको आपको रोज लेना पड़ेगा दिन में 2 बार लेना पड़ेगा रेडी यस किसी को पता है वो दवाई का नाम कैन एनीवन टेल मी इन द चैट यस 2 लोग 3 लोग ऑलरेडी लिख रहे हैं ओके वेरी गुड शायद उन्होंने देखा हुआ है मेरा वीडियो सो दैट मेडिसिन इज रिविजन रिविजन आपको दिन में 2 बार करना है सुबह उठने के बाद रात को सोने से पहले दिन में जो पढ़े रात को रिवाइज करो सोने से पहले पिछले दिन जो पढ़े उसको दोबारा रिवाइज करो सुबह उठने के बाद आज तक जितना पढ़े हो उसको रिवाइज करो सुबह उठने के बाद ये अगर दवाई ले लिया ना रिविजन का दवाई भले आप हार्डवर्क करो स्मार्ट वर्क करो कुछ भी करो यार कितना भी डेडिकेशन दिखाओ कुछ भी करो बट अगर रिविजन पे अगर आपका फोकस नहीं रहा ना तो कभी नहीं कर पाओगे ठीक है तो रिविजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की चलिए अब मैं कुछ और से बात करता हूँ ओके यार हैंड्स अप बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है मैं रोक नहीं पा रहा ये संघमित्रा मलिक गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग सर आई हैव द प्रॉब्लम लाइक माय बेसिक इज रियली प्रॉब्लमेटिक लाइक I can't remember some formulas. That's the only problem I face. Hmm. And thing is, that you have said, na, that how to study. That's the only problem I face in during the maths. I got 12 in this maths, and that's paper during the when I
when I was giving paper, that time problem was like, when I saw the paper, I was really confused how to Hindi present Hindi the paper. Bol sakte, koi dikkat nahi hai. Hindi mein bol sir, sakte. Actually, I have problem with Hindi. I am Bengali. Oh, you are Bengali. Okay, okay. So you are having the problem, right? How to represent your answers in the answer sheet? Yes. कैसे answer को लिखना है so that you will get good marks. That will be trained. Okay. You are having compartment in maths. Yes, sir. Okay. So that is one more topic that I focus very oftenly, like how to write answers. भले आपको चीजें पता हो, you know the topic, you know the formula, but how to write it proper step में अगर नहीं लिखोगे तो marks आपको नहीं आएंगे. Getting my point? So writing yes, answer. And another problem is like I am starting the answer and after that I'm really confused how to complete the answer. That's the only problem I face. Okay. Okay. I got your problem. And the only solution is you have to look at perfect answers. Jo logo ne likha hoga, you have to observe their answers. Whatever answer is already written in your textbook or in your answer sheet, that you have to observe what you are missing, how to start, how to write, what are the steps. All those things you need to follow one by one. Then only you can master this technique. Thank you, sir. Okay, most welcome. Next is, sir, what I do? I got 6 marks in theory. How is it possible to pass? Yes, it is obviously possible to pass, whatever marks. I gave you one example. इन द ग्रुप ग्रुप में आपको एक कॉल रिकॉर्डिंग मिलेगा. कितने लोगों ने कॉल रिकॉर्डिंग सुना मुझे चैट में बताओ. यस सर आई हर्ड द कॉल रिकॉर्डिंग. बताओ मुझे कॉल रिकॉर्डिंग सुने. टाइम तो होगा यार, मैं कब से ग्रुप में ऐड कर दियो आपको शाम से. हाँ तो कॉल रिकॉर्डिंग में क्या था, दैट स्टूडेंट सिक्योर्ड सिंगल डिजिट मार्क और फिर वो 91 सिक्योर किया जाके आफ्टर द प्रिपरेशन. कितने महीने में? 2 महीने में. सबको शॉक लगेगा बट इतना एफर्ट डाला. मैं कभी उसका रूटीन शेयर करूंगा. वो मेरे से बात करता था रोज. वो 2 महीने में इतना मेहनत किया और रिजल्ट आज उसके साथ है. इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया यार बंदे ने. अभी जॉब करने के लिए बैंगलोर में है. मैं मिलूंगा अभी जाऊंगा. थैंक यू सर. यू आर द ओनली वन इन इंडिया हु इज देयर क्लास 12th कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स. यू आर गॉट प्राइज. थैंक यू सो मच. हिंदी में समझाएं. हिंदी में समझाऊंगा. यस हिंदी में ही समझाऊंगा. बायो के लिए कुछ कर सकते हैं क्या? मटेरियल्स है, मटेरियल्स में शेयर कर दूंगा. ठीक है. नेक्स्ट शुभम रंजन को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ. शुभम रंजन धीरे धीरे अनम्यूट करूंगा जितना हो पाएगा आधे घंटे के अंदर. अदरवाइज मैं रेगुलर रात को ऐसे सेशंस लूंगा. जिन लोगों को जो डाउट होगा मेरे से रोज बात करना. और हाँ फ्री बैच नहीं होगा कि कोई पूछ रहा है. आई विल टॉक अबाउट दैट. यस शुभम बोलो. Sir, I have doubt regarding some exam comparison. Yes, ask. Sir, मतलब sir मेरा दो subject में मतलब आठ लगा है, एक physics और math में. So I think I appear only one exam. Only one. Sir, only one you can appear. Sir, मतलब math में थोड़ा confidence नहीं है तो इसलिए sir math नहीं कर रहे हो. Math में confidence नहीं है, so math appear नहीं कर रहे हो. Yes sir, मेरा दो में लगा है math और physics में. Math और physics में. So you are choosing physics this time. Yes sir. Okay, so next year you can appear maths with the regular board students. Sir, और एक सा doubt था. अगर मैं math में अगर exam नहीं करूँ तो मतलब report card में लिखा रहेगा RT. हाँ, math report card में RT लिखा होगा. जो दूसरा marksheet मिलेगा तो फिर वहाँ पे तो marks show ही कर रहा होगा ना कि उसमें कम marks है. तो सर मतलब अगर मैं मतलब जब एग्जाम दूंगा वो आरटी हट जाएगा ना सर. हाँ एग्जाम दोगे आरटी हट जाएगा. अगर क्लियर कर लोगे तो आरटी हट जाएगा. अभी जैसे फॉर एग्जांपल यू आर अपीयरिंग फिजिक्स, तो फिजिक्स में अगर क्लियर कर लेते हो तो फिजिक्स का आरटी हट जाएगा. मैथ्स का नहीं देते हो तो मैथ्स का रहेगा. बट अभी फिजिक्स दे दिया, नेक्स्ट टाइम यू विल अपीयर फॉर मैथ्स, देन मैथ्स एंड फिजिक्स दोनों का आरटी हट के आपका नॉर्मल क्लीन मार्कशीट हो जाएगा. सर मुझे मतलब यही पास मतलब एक मतलब चीज बिलीव नहीं हो रहा. मतलब मेरे को कंफर्म सी होता कि मैथ में मतलब मेरा लगेगा ब्लू आई. मतलब कंपार्टमेंट में फिजिक्स में लग गया वो सर. मैं कितना है फिजिक्स में? कितना है सर फिजिक्स में? कुछ 1 डिजिट आया, मतलब 11 आया कुछ. अच्छा ओके. अगर पास आसपास भी होता तो फिर वो तो कोशिश करके 23 कर देते हैं पास करने के लिए.
सर थ्योरी को मिला के 34 हो रहा है सर। थ्योरी को मिला के 34 मतलब प्रैक्टिकल को, प्रैक्टिकल को मिला के 34 हो रहा है। प्रैक्टिकल में कितना मिला है सर? 27 प्रैक्टिकल में। 27 ओके, सो 34 माइनस 27 तो 7 मार्क्स मिला है। ओके ओके ठीक है, अभी फिजिक्स के लिए तैयारी करो अच्छे से। सर मेरे को बस आपसे एक आखिरी क्वेश्चन था, मतलब हम जब बोर्ड मतलब रियली जो हमारा सर कंपार्टमेंट होते हैं, मतलब बाकी में से टफ होता है क्या, मतलब बोर्ड एग्जाम्स? नहीं, कंपार्टमेंट का एग्जाम लेवल मैंने बताया ना, वो एवरेज लेवल का ही होता है। बोर्ड जैसा टफ नहीं होता और उतना इजी भी नहीं होता, एवरेज लेवल का पेपर होता है। कभी कभार एक दो क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाएंगे पूरे पेपर में, बट पूरा एंटायर पेपर एज होल, मैं 5 साल से देख रहा हूँ ना पेपर, 5 साल से कभी भी टफ नहीं हुआ है, वो नॉर्मल एवरेज पेपर ही होता है। काफी बार बच्चे इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, वो लास्ट ईयर का पेपर देखना है मेरे पास, लास्ट ईयर का पेपर इतना आसान था, लोग देख के मतलब ऐसे मुंह जुबानी बोलते जाते थे कि इसका आंसर ऐसे होगा, इसका आंसर ऐसे होगा, वो मतलब बहुत इजीली, मतलब खड़े खड़े तो 20 मार्क्स ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ओके ठीक है, थैंक यू। ओके नेक्स्ट, कोई मुझे बोल रहा था अनम्यूट करो। हाँ, दो सब्जेक्ट में कोई पूछ रहा था कि क्या दो सब्जेक्ट में हम कंपार्टमेंट दे सकते हैं, दो सब्जेक्ट में नहीं दे सकते, ट्वेल्थ वालों, टेंथ वाले दे सकते हैं, ट्वेल्थ वालों के लिए दो सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट नहीं दे सकते। वन कंपार्टमेंट यू हैव टू अपीयर दिस टाइम, अनदर कंपार्टमेंट यू हैव टू अपीयर विद द बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, आयुष आईफोन लिखा है, सर आई गॉट कंपार्टमेंट इन मैथ्स बट आई वांट टू डू बीटेक विद सीएसई, बट नाउ कॉलेज वाले बोल रहे हैं कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद ही बीटेक में एडमिशन ही होगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरा एक दोस्त था व्हेन आई वाज डूइंग बीटेक फर्स्ट ईयर में, तो एक दोस्त मिला था एंड ही वाज फ्रॉम यूपी, उसका भी सीबीएसई बोर्ड था एंड मैथ्स में कंपार्टमेंट था। सो जब वो कंपार्टमेंट क्लियर किया तब जाके उसको मौका मिला बीटेक में कंप्यूटर साइंस एडमिशन लेने का। आज के डेट में वो अच्छा कंप्यूटर साइंस से पास आउट होके अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बट कंपार्टमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो वही है। नेक्स्ट, शुभम, शुभम रथ, ओके तेजस था ना, तेजस को नेक्स्ट करेंगे। शुभम, वेरी शुभम, हेलो, यस शुभम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं ओडिशा से हूँ, राउरकेला से। सर मुझे ये जानना था कि क्या मेरा सिलिकॉन में एडमिशन हो पाएगा, कि मेरे को सिलिकॉन का प्रोविजनल एडमिशन का मैसेज आया था मेल में। कंपार्टमेंट है क्या तुम्हारा? हाँ मेरा मैथ्स में है कंपार्टमेंट। मैथ्स में कंपार्टमेंट है, प्रोविजनल का मैसेज आया था। ओके हाँ, तो क्या वो लोग वेट किए होंगे कि कंपार्टमेंट खत्म होगा उसके बाद जाके एडमिशन करेंगे, या सीट बचा होगा उसके लिए? तुम्हारा प्रोविजनल बोल रहे हो ना, रैंक जेई मेन के बेसिस पे नहीं है? नहीं, जेई मेन के बेसिस पे नहीं है, तो तुम्हें बोल के सीट बुकिंग करवाना पड़ेगा। सीट बुकिंग का उनका कुछ तरीका होता है, 10-15 हज़ार लेते हैं। हाँ, 50,000 के लिए बोले थे। अच्छा 50,000 के लिए, ठीक है। इफ यू वांट प्रोविजनल और कंपार्टमेंट के लिए, तब कंपार्टमेंट के लिए वेट करेंगे, उनका कंडीशन देख लेना की अगर कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है तो क्या वो 50,000 रिटर्न करेंगे, वो डाउट अपना क्लियर कर लेना और रिसीट भी ले लेना की यू हैव पेड द मनी, और क्लियर कर देते हो तो फिर वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट आने के बाद ही एडमिशन होता है, अगस्त तक शुरू होगा क्लास, तो यू हैव एनफ टाइम, तब तक कंपार्टमेंट का रिजल्ट भी आ जाएगा अगस्त 15 से पहले ही। ओके सर, ओके सर। सर और ये जानना था कि मैथ्स में मेरा आज तक कभी इतना अच्छा नहीं हुआ, तो क्या मैं कंपार्टमेंट क्लियर कर पाऊंगा? मैथ्स में अच्छा नहीं हुआ मतलब, अभी कितना है मार्क्स? अभी मेरा थ्योरी में 10 आया है। थ्योरी में 10 आया है, हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर कि क्लियर कर लोगे? सर कॉन्फिडेंस तो है, मैंने आज मैट्रिसेस खत्म किया। ओके और भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बैठ के लगा रहा हूँ। और सर बहुत डिमोटिवेट फील हो रहा है, मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करोगे धीरे, प्रैक्टिस करोगे, सभी का सिचुएशन वही है। मैं देख रहा था, मैं कल रात सोया नहीं हूँ, आज सुबह 7 बजे सोया मैं, पूरी रात में कंपार्टमेंट स्टूडेंट से बात कर रहा था टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, ऐसे करके मेरे वीडियोस पे व्यूज देख रहा हूँ, 3 बजे मैसेज आ रहा है, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कंपार्टमेंट स्टूडेंट कल रात सो नहीं पाया। मुझे सच सच बताना कितने लोग कल रात सो नहीं पाए, मुझे अभी चैट में बता दो। काफी लोग दिमाग खराब हो गया, दिस इज हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिन लोगों का पहली बार कंपार्टमेंट आया है, पूरी रात उनको नींद नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरा जब मैं अभी, हाँ शुभम को म्यूट कर रहा हूँ, सभी का कॉमन क्वेश्चन है तो मैं आंसर कर रहा हूँ,
यस यस देखो चैट में सभी का लिख रहा है, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ हर चीज में, मैं भी सो नहीं पाया, मैं भी सो नहीं पाई, काफी लोग लिख रहे हैं अभी चैट में, तो मैं वही बता रहा हूँ। जब मेरा फिजिक्स में बैक लगा था, इंजीनियरिंग में जाके लगा था, चिकन पॉक्स हो गया था मुझे, काफी बार बोला है मैंने, वो हेल्थ इशू के वजह से हुआ था, बट फिर भी मैं एग्जाम तो दे नहीं पाया। अब दिया भी तो प्रिपरेशन था नहीं, फिर बैक लगा, तीसरी बार जाके मैं पास हुआ। पूरी पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती थी, मैं सोचता रहता था यार ये क्या हो गया, मेरा तो ऐसा कभी हुआ नहीं, पहली बार ऐसे हो गया, वो भी बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग का हो रहा है, तो दिमाग में वो प्रेशर बनते रहता बनते रहता है। तो ज्यादा टेंशन लोग हैं, सुइसाइडल थॉट्स हैं, काफी लोग लिख रहे हैं थॉट ऑफ सुइसाइड। सुइसाइड करके क्या मिलेगा, देखो अगर आप अच्छा मेहनत करते हो, मेहनत आप करोगे, एग्जाम में जाके आप लिखोगे, रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा तो फिर आपके ही सिचुएशन बदलेंगे, सब चीज अगर आपके हाथ में है तो वाई टू वेस्ट इट, जो भी एनर्जी है जो भी ताकत है सब इसमें डाल दो, जितना टाइम मिल रहा है ना कंपार्टमेंट एग्जाम के बारे में सोचो, उसका उसके बारे में तैयारी करो, ये दो चीज के अलावा और कुछ मत करो, उठो खाओ पियो फिर पढ़ाई करो, पढ़ाई करो इसके रिलेटेड जितना वीडियो होता है देखो, और मोटिवेशन चाहिए, मेरा तो वीडियो सफिशियंट है, मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आप सभी के सामने, और कभी बात करने का मन करे तो बात करो। अभी आयुष आईफोन कोई है, ही इज टेलिंग मल्टीपल टाइम्स, लेट मी अनम्यूट हिम वंस। तो यार हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, बस मेहनत करने के लिए तैयार रहो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेयर इज आयुष? गुड इवनिंग सर, सर जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, माय नेम इज आयुष सर, सहारनपुर यूपी। ओके सर, क्वेश्चन ये था कि सर जैसे कि जिस कॉलेज में बात की थी सर एडमिशन के लिए बीटेक सीएससी, हाँ सर अब कब जो कंपार्टमेंट है या उसके बाद बात किया सर, वो कह रहे हैं कि अब सीएससी कंपल्सरी बीटेक में तो नहीं मिल पाएगा, तो क्लियर करने के बाद ही मिल पाएगा, अभी तो नहीं मिल पाएगा। नहीं, क्लियर करने के बाद भी नहीं मिल पाएगा सर, वो बोल। अच्छा, सीट फिर खत्म हो जाएंगे, डिमांड है क्या वहाँ पे सीएससी का? सर रुड़की कोर। अच्छा रुड़की में, ओके ओके जी जी। हाँ तब तो फिर मुश्किल है, सीएससी नहीं हो पाएगा, कोई और दिखना पड़ेगा जहाँ पे सीएससी मिल जाए सर। और अगर उसी कॉलेज से बीसीए वगैरह देखें, बीसीए वगैरह देख, हाँ बीसीए वगैरह देख सकते हैं उनसे बात करके। देखो बीसीए में और बीटेक में क्या डिफरेंस होता है ना, बीसीए एक बहुत जनरल डिग्री होता है, वहाँ पे 12 से 15 हजार की सैलरी मिल जाएगी आपको, कहीं किसी भी कॉलेज से करो, अच्छे से अच्छे कॉलेज में करोगे थोड़ा सा और ज्यादा सैलरी मिल जाएगा। बट बीटेक का क्या है, जैसे टेक्निकल कोर्स डिग्री, यहाँ पे बीटेक करके लोग एमटेक ना करके भी जॉब अच्छा लेते हैं, बट बीसीए में आपको एमसीए करने के बाद ही आप बीटेक के बराबर आ पाओगे। सोचो बीसीए और एमसीए हो जाएगा 5 साल, बीटेक 4 साल में हो जाएंगे, ठीक है जी जी। हाँ, तो यही चीज है। हाँ सर, जैसे कि अब अगर चलो कंपार्टमेंट क्लियर करने के बाद बीटेक सीएससी में एडमिशन मिल भी जाता है, तो सर क्या बीटेक मतलब फर्स्ट ईयर में कुछ प्रॉब्लम आएगी उससे रिलेटेड या कुछ? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपका, अगर क्लियर हो जाता है ना फिर आप टेंशन फ्री हो, कोई भी ब्रांच में जाओ, सीएस में जाओ, कोई भी ब्रांच में जाओ, नो टेंशन एट ऑल। जॉब में भी कोई आपको पूछता नहीं, आपका जॉब में क्या पूछेंगे, रेज्यूमे आप बनाओगे ना, कितना परसेंटेज आया है लिखोगे, तो क्लियर हो जाएगा तो परसेंटेज क्लियर वाला ही लिखोगे ना, 10th का लिखोगे, 12th का लिखोगे। और सर क्लास 12th के अकॉर्डिंग टफ लेवल क्या होता है सर बीटेक सीएससी का फर्स्ट ईयर में? टफ लेवल होता है मैथ्स ही टफ होता है यार, अभी को किसमें कंपार्टमेंट है सर? मैथ्स में ही है कंपार्टमेंट। मैथ्स ही टफ होता है यार, मैथ्स थोड़ा सा टफ रहेगा तैयारी यार, मैथ्स से पीछा नहीं छोड़ सकते, अगर आप बीटेक सीएससी जा रहे हो ना 2 साल आपको मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे बीटेक सीएससी में। सिलेबस आपने मेरा देखा होगा, सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लो, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन व्हाट आर द सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, 4 साल में से 2 साल आपको कंप्यूटर साइंस में मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे, और मैथ्स होते हैं कुछ कुछ टफ लेवल वाले। 10 मिनट और मीटिंग में, ठीक है ओके, चलो थैंक यू। चलो एक दो लोगों को और लेता हूँ, फिर मैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन बोल के कम्प्लीट करूंगा। चलिए हैंड रेज में बीच बीच में लो कर रहा हूँ क्योंकि काफी लोग भर जा रहे हैं ना, कोई बात नहीं, सबको मौका मिलेगा, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, बात कर लेंगे। निशान शर्मा, वेयर इज निशान शर्मा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरी मैथ्स में कंपार्टमेंट आई है। ओके सर, थ्योरी में मेरे 7 नंबर्स हैं, मतलब तो आया था, मतलब रिलेवेंट लिख के आया था पर स्टेप मार्किंग नहीं मिली मुझे। मैं घर क्रॉस चेक करा था तो 20 में से 5 नंबर एमसीक्यू के बन रहे थे, वो तो होंगे पर क्या 2 नंबर ही मिला मुझे, बाकी पूरे पेपर्स में ये सब आ रहा था। पर अब मैं सोच रहा फिर अप्लाई कर लेता हूँ तो
वही है कि मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, बस वही आपका कोर्स ज्वाइन करना है, मार्क्स okay. तो अच्छे लाने, क्योंकि हायर स्टडीज करूंगा तो मैथ्स चाहिए ही। मैं ये बोलने का मेहनत करने के लिए तैयार हूँ सर, बस आप करा दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करने के लिए तैयार हो तो फिर मोस्ट वेलकम यार। दिन में अगर जितने घंटे 10-12 घंटे दे पाओगे तो पूरा एफर्ट मारना, तरीके समझ जाओगे, फिर क्वेश्चन बनाओ। जितना मेरा मेन फोकस होता है वही दवाई पे, रिवीजन इज द ओनली की। मैं आपको टॉपिक समझा दूंगा, कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखा दूंगा। काम आपको करना है कि वो क्वेश्चन कैसे बना खुद के दिमाग में फिट करना है। मैं जो बताऊंगा उसको दिमाग में फिट करना है। मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, दो दो बार बता दूंगा आपको, डाउट आएगा फिर बता दूंगा, डाउट सेशंस भी लेता हूँ मैं। आपको ना अभी टॉप करने में फोकस नहीं करना है, आपको एग्जाम क्लियर करने में फोकस करना है। तो 1+1=2 होता है ना, कुछ चीजें आपको रट लेना है, समझ रहे हो? अब अगर उसमें घुस जाओ कि 1+1=2 क्यों होता है, तो क्यों होता है तो उसके लिए एक साल मिला था ना 12th में, तो वो क्यों में अगर घुस जाओगे तो अभी 2 महीने में क्लियर नहीं हो पाएगा एग्जाम। आपको कुछ चीजें एज इट इज रट लेना है। फॉर्मूला का तरीका है, मैं आपको मस्त तरीके से बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करके भी समझा दूंगा, वो भी समझ आ जाएगा आपको कैलकुलस के कुछ फॉर्मूले। सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, और मेहनत करो, खुद खूब मेहनत करो, हो जाएगा। यस सर, एक चीज पूछनी थी। बोलो बोलो। इस बार का जैसे सेट वन, मतलब पेपर तो मैथ्स का डिफिकल्टी बना था, तो हाँ हाँ। जैसे आपने बोला था नॉन कैलकुलस, तो नॉन कैलकुलस में ही मेरा ज्यादातर स्ट्रॉन्ग है, तो उसी में फोकस करेंगे। पर सर जो केस स्टडी वगैरह का बहुत मतलब वैसा होता है, समझ नहीं आता। और जैसे इस बार तो क्वेश्चन जैसे बता जो वैसे होते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे रिलेवेंट भी नहीं आए। जैसे मैट्रिसेस का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें रो और कॉलम दिया होता है और हमें एक इक्वेशन दी होती है, वो क्वेश्चन आया तो रो हमें 3 की जगह सिंगल रो दे रखी थी और 2 कॉलम दे रखे थे, क्वेश्चन पूरा चेंज हो रखे थे। इस बार तो वही पूछा था कंपार्टमेंट में कैसा होगा, मतलब इसी लेवल का टफ आएगा या इससे नहीं, इससे इजी आएगा। ये थोड़ा सा मैथ्स का इस बार थोड़ा पेपर टफ हो गया, 2018 में इतना टफ बना था, 19 में इजी बना, 20 में कोविड की वजह से हुआ नहीं, 21 में थोड़ा सा इजी बना, अभी 22 में भी ठीक ठाक ही था, 23 में फिर टफ कर दिया। और 22 में क्या हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 हो गया था, तो फिर वो टर्म 1 पे अलग चला गया और टर्म 2 पे अलग चला गया। बट फिर इस बार क्या हुआ, फिर कंबाइंड 100% सिलेबस, तो 100% सिलेबस तो टफ ही रहेगा, बच्चों के लिए टफ भी लगेगा भले सिलेबस डिलीट कर लो। तो इस बार टफ ही था, मैं मानता हूँ बहुत टफ था। मैंने बात करा बोर्ड पेपर इवेल्युएटर से, उनका भी कहना है पेपर टफ था, बट कोई बात नहीं, कंपार्टमेंट में इससे ईजी आएगा। और नहीं भी आता है ना तो नॉन कैलकुलस पार्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि यार हो जाएगा। यस सर, वही पूछ रहा था बस। ठीक है, चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लास्ट स्टूडेंट आज के लिए तेजस, तेजस तभी से लिस्ट में 1 नंबर पे था, तेजस को मैं अनम्यूट करता हूँ, बाकी सब हम कल बात करेंगे, ठीक है? वेयर इज तेजस? हेलो सर। या हाय, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे 7 मार्क्स है मैथ्स में कंपार्टमेंट में। ओके। और इतने लोगों से बात करके लग रहा है कि ये 7 मार्क्स में कुछ लोचा है, काफी लोगों 7 मार्क्स देख के छोड़ दिया है बस। हाँ सर, मतलब मैंने लिटरली कुछ वैसे तो किया तो नहीं था, मतलब बट प्रिपरेशन में तो मतलब मेरा तो 7 मार्क्स आया। बट सर पॉइंट ये है कि मेरे को 2-4 सवाल है, मैंने लिखा है। पहला सवाल ये सर कि कंपार्टमेंट मतलब कि मोटा मोटी डेट कब होगा सर, मतलब ओवरऑल कंपार्टमेंट एक्सपेक्टेड है जुलाई के 1st वीक या 2nd वीक में हो जाए, क्योंकि मई में जब एंड में रिजल्ट आता है 25, 26, 27, 28 के आसपास, जुलाई 15, 16 के आसपास एग्जाम होता है, तो जून महीना पूरा टाइम दे देता है वो। इस बार को क्या हुआ, 15 दिन पहले रिजल्ट आ गया, तो 15 दिन हम पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम मान के चलेंगे जून के लास्ट वीक तक हमें खत्म करके रिविजन करना है, ताकि जुलाई के अगर 1st वीक में एग्जाम हो जाए हम दे पाएंगे, जुलाई के 2nd वीक में भी एग्जाम होता है तभी हम दे पाएंगे, ठीक है? और जितना टाइम बढ़ेगा अगर लेट भी होता है तो फिर रिवीजन के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। सो दैट इज द वेयर मिनिमम टाइम, मान के चलो अगर मई 13 हो गया, मई का पूरा महीना और जून के 3rd वीक, हाँ 45 दिन आप मान के चलो, 40 दिन मान के चलो हो जाएगा, 40 डेज हार्डली, और फिर उसके बाद रिवीजन हाँ, जितना भी दिन बचा। सर सर अभी मैं अपना कंडीशन बताऊँ तो मैंने मतलब पढ़ा ही नहीं कुछ, वैसे पढ़ के ना लेके आना वो तो था, लेकिन मैं पढ़ा नहीं कुछ कारण की वजह से। तो मेरा पॉइंट, मैंने जेई के लिए वैसे ड्रॉप किया, अभी जेई
क्लियर करने के लिए, तो मैंने एक्चुअली जेई प्रिपरेशन स्टार्ट तो कर दी, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि कंपार्टमेंट लगेगा, क्योंकि मैं सोचा इंप्रूवमेंट भर के मैं 75 क्रॉस करवा लूंगा करके, लेकिन कंपार्टमेंट तो अभी देना जरूरी है। किसको सी में पढ़ानी भाई, किस कोई भी चीज? नहीं नहीं सर, अभी मैं उसको क्या बताऊं। अच्छा चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, और हो जाए इस बार। मैंने मिस्टेक्स रियलाइज कर लिया मैंने प्रॉपर, मतलब पूरा डिकोड किया कि क्या। देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है, हां मैं समझ गया। मेरा बस एक सवाल है कि सर, मैंने मतलब कि 7 मार्क्स आए हैं, मेरे को कुछ भी करके 90 तो लेके आना सर, मतलब आई नो कि थोड़ा अजीब है ये, बट स्टिल मतलब कि मैं जो भी आप लोग करने को तैयार हूं। देखो मजाक नहीं है ये, हो सकता है, और मैं चाहता हूँ कि यार इस बैच से भी कोई ऐसा बच्चा निकले जो सिंगल डिजिट से पूरा 90 के तक पहुंचे। मेहनत करोगे हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो आपको एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है, सोचो साल भर आप इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, अभी तो एक ही सब्जेक्ट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना कोई ट्यूशन है, ना कोई इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन है, तो आप पूरा फोकस एक ही सब्जेक्ट में डालो, एक ही सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग पॉइंट में डालो, हो जाएगा। हो जाएगा सर, मतलब बेसिक से प्रॉपर पढ़ूंगा। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, आराम से एक एक करो, डायरेक्ट फोकस मत करो कि मुझे 5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करने, एक एक मार्क के सॉल्व करो, फॉर्मूला को डिकोड करना सॉल्व करो, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाओगे। आज भले तुम 2 घंटे पढ़ोगे, कल तुम 2.5 घंटे पढ़ोगे, 2-3 दिन तक 3 घंटे पढ़ोगे, फिर उसके बाद फटाक से तुम 6 घंटे पहुंच जाओगे, क्योंकि पढ़ने का आदत हो जाएगा। यस यस सर। ओके सर, फॉर्म फिलिंग का क्या होगा सर? फॉर्म फिलिंग आ जाएगा, अगर स्कूल से भरे हो तो स्कूल वाले फॉर्म फिलअप करवा लेंगे, प्राइवेट कैंडिडेट तो प्राइवेट कैंडिडेट खुद से भरना पड़ेगा। ओके सर, हाँ थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चलो अभी मैं और किसी को अनम्यूट नहीं कर रहा हूँ, वी हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट, और ये सारा जो रिकॉर्डिंग है आप दोबारा देखना चाहो तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। इफ यू वांट द रिकॉर्डिंग लेट मी नो इन द चैट, कुछ भी अगर किसी का सिमिलर कंडीशन हो, बाद में देखना चाहते हो कि यार मेरे जैसे भी और काफी सारे स्टूडेंट्स है, द ओनली पर्पज ऑफ दिस सेशन इज सबको पता चले यू आर नॉट अलोन, मैं तो साथ हूँ आपके साथ, बट काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिमिलर कंडीशन है। अभी बात करके पता चला 7 मार्क्स में अटका दिया है काफी लोगों को, पेपर तो एक डिफिकल्ट बना है, ऊपर से 7 मार्क्स में अटका दिया, और बाकी सब्जेक्ट वालों से मैं बात नहीं कर पाया, पता नहीं सब मैक्सिमम मैथ्स में है और केमिस्ट्री में भी है काफी लोग, और जो लोग बोल रहे हैं प्लीज टॉक टू मी सर, मैं सभी से बात करूंगा यार, एक एक करके बात करूंगा। देखो मैं इंसान अकेला हूँ, इतना चैट आ रहे हैं 2 दिन से यार, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद सो नहीं पा रहा हूँ, आज सुबह 7 बजे सोया हूँ मैं बता रहा हूँ, और वीडियो मिल जाएगा केमिस्ट्री, ओके अंजलि शर्मा इज केमिस्ट्री, तो वीडियो अभी मिल जाएगा, इसका रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, मेहनत करो, टाइम दो, छोटे छोटे स्टेप्स लो, अभी बस सिलेबस को पता करो, ठीक है? हमारा पहला जो भी वीडियो रहेगा किसी भी सब्जेक्ट यूट्यूब पे डालूंगा, सिलेबस के बारे में डालूंगा, तो सिलेबस को कैसे आप डिकोड करोगे, कैसे लिखोगे वो लिखो, और जो जो आपने मिस्टेक किया है ना इस बार, मिस्टेक को लिखो, माइंड में सोच लोगे दिस इज मिस्टेक 1 दिस इज मिस्टेक 2 नहीं होगा, पेपर में नोट इट डाउन, ताकि इस बार वो सेम मिस्टेक ना दोहराओ, सेम मिस्टेक दोबारा दोहराओगे तो फिर बेवकूफी आपकी है। ओके आई होप ये जूम सेशन अच्छा लगा होगा, ऐसे ही 30-30 मिनट के 40-40 मिनट के हम जूम सेशन करेंगे, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो, फ्रेश हो, हम लोग बात करें। क्या आप लोग चाहते हो ऐसे सेशन हो, मुझे चैट में जल्दी से यस बताओ, 30 सेकंड और बचे हुए, खत्म हो जाएगा जूम मीटिंग, जल्दी से बता दो। अच्छा लग रहा है बात करके, बाकी स्टूडेंट का ओपिनियन रिव्यू सुन के, क्या पता आपको भी मौका मिल जाए किसी दिन बोलने का, 50 स्टूडेंट तक आए थे, ठीक है? ओके चलो, और क्लासेस का मैं बताता हूँ, मैथ्स क्लास जब शुरू होगा वो मैं बता दूंगा। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, ऑल द बेस्ट।